भाई लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ ना, सारी ग्रिफिथ कॉलेज की अकोमोडेशन है। ये राइट हैंड साइड भाई अपना, यहाँ पे देखो क्लासरूम। पहले यहाँ पे वैसे एक ही ग्राउंड होता था, क्रिकेट ही खेलते थे यहाँ पे, और नेशनल फ्लैग लगा हुआ है आयरलैंड का। और ये देखो भाई साइकिल पे कितने स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, ये देखो सारी साइकिलें देख रहे हो ना। तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस इज सचिन। और जो आज की वीडियो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको लेके चलेंगे भाई ग्रिफिथ कॉलेज आयरलैंड में, इवन के यूरोप में भाई कैसे कॉलेज होते हैं यहाँ पे। जब आप आ जाते हो एज ए स्टूडेंट, आ रहे हो किसी भी कंट्री में जा रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो आप। दूसरा भाई, आज ना राम प्यारी भाई, जो मेरी गाड़ी है, टैक्सी है, जो उसके ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना रूफ साइन, इसको भाई फिक्स कराना है आज ना। और ये आ गया भाई अपने घर, और ये अपना नेबरहुड है, पास में बस लगा लो, ये अपने अपार्टमेंट बने हुए हैं राइट हैंड साइड, यहीं पे लगाते हैं भाई पार्किंग। और देखो कितनी हर घर के पास एक गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और अपनी पार्किंग खड़ी है भाई उधर, सारी खाली पड़ी है पार्किंग। चलो पहले गाड़ी लगाते हैं। हाँ मैं बता रहा था कि देखो जो रूफ साइन लगा हुआ है ना, इसमें ऊपर लाइट नहीं जलती है, रात के टाइम अगर आप काम करते हो तो इसमें लाइट जलनी जरूरी है, ताकि बंदे को पता लग जाए कि भाई ये देख रहा है पैसेंजर्स को, यानी कि ये टैक्सी अवेलेबल है। और ये जाएंगे हम भाई जहाँ से मैंने प्लेट ली थी, होपफुली इसके अंदर वो लाइट डालेगा, कैसे करेगा वो देखेंगे। और जो मेरा घर है ना भाई, देखो इसके सामने सारी पार्किंग है ना खाली पड़ी रहा, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपके घर के बाहर खाली पार्किंग मिल जाए। चलो फिर घर चलिए अब। रायन बेटा क्या पे रखे मुँह माँ, मम्मा को जाके बताएगा अभी पापा आगे। तो भाई पार्किंग का ये होता है कि ना, जब आप पार्किंग लेते हो कई घरों में, मोस्टली घरों में होते हैं पार्किंग फ्री होती है, अगर आप टाउन से बाहर रह रहे हो। अगर आप सिटी सेंटर के बीच में रह रहे हो तो वहां पे पार्किंग आपको पे करना पड़ता है वीकली या फिर मंथली, एक्सपेंसिव काफी होते हैं पार्किंग के। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्किंग अगर आप घर बाहर लेते हो टाउन से, तो आपको पार्किंग फ्री मिल जाती है। तो भाई जहाँ पे मैंने जाना है ग्रिफिथ कॉलेज में, वहीं पे मैंने 15 साल पहले जब कॉलेज ज्वाइन करा था, फर्स्ट कॉलेज मेरा ग्रिफिथ कॉलेज था। तो आपको दिखाएंगे भाई कॉलेज कैसे होते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो मैंने करा था, जो मैंने एक्सपीरियंस करा था यहाँ पे। दूसरा भाई होपफुली आज प्लेट में लाइट डल जाए, देखते हैं वो क्या कहेगा। क्या बेटा गिर गया? चलो कुछ नहीं हुआ। तो भाई अभी 2:30 बजे हैं, और प्लान रह गया अपना 3:15 बजे तक बाहर निकलेंगे, और बाहर भी आज मौसम ना शांत हो रहा है बिल्कुल। तो लो जी ये आ गया हम इस टाइम क्लैन ब्राजिल स्ट्रीट पे ना, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड भाई सारे अपने ना देसी फूड रेस्टोरेंट है, और बिल्कुल पास में जैसे ग्रिफिथ कॉलेज की ये अपना सारी देसी दुकान है भाई, यहाँ पे देसी बारबरी भी है, यहाँ से राइट लेके आ जाएगा भाई अपना ग्रिफिथ कॉलेज। बसेस है भाई देखो 122 बस ला रही है, और ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है भाई ग्रिफिथ कॉलेज। तो यहाँ पे काफी ट्रांसपोर्ट सही है अगर आप ग्रिफिथ कॉलेज ले रहे हो, जैसे टाउन के बिल्कुल पास में है, मिडिल में है टाउन के, ये आ गया भाई लेफ्ट हैंड साइड। भाई एंट्रेंस यहाँ से हो गया अपना ग्रिफिथ कॉलेज का, ये भाई अपना बिल्डिंग बन रही है और पार्किंग लगा हुआ, तो पहले यहीं पे आसपास, और ये वन वे सिस्टम है भाई, तो यहीं पे पार्किंग लगा था पहले, और पार्किंग होपफुली यहाँ पे भाई फ्री होनी है। तो भाई वैसे तो मैं इस कॉलेज में रहा नियरली भाई 15 साल के बाद, नहीं 12-13 साल के बाद, क्योंकि जो मेरी स्टडी फिनिश हुई थी अकाउंट्स फाइनेंस करी थी मैंने यहाँ से, तो 12-13 साल पहले करी थी। तो जब एंटर करते हो तो ये भाई इनका मेन डोर, और यहाँ से आप एंटर करते हो अपना, ये लेफ्ट हैंड साइड भाई अपना स्पोर्ट्स के वास्ते होता था उस टाइम, और अभी भी भाई स्पोर्ट्स वास्ते ही है, पूल वगैरह खेल देते हैं भाई अंदर। और ये एक छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे देखो सामने, पहले वैसे यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। और ये राइट हैंड साइड बिल्डिंग बनी हुई है, यहीं पे है रिसेप्शन, यहीं पे चलेंगे उसके बाद आएंगे ग्राउंड में। तो रिसेप्शन में जाने वास्ते देखो ये छोटा सा रास्ता बना रखा, और देखो कितनी शांति है जैसे ना बिल्कुल, और शाम के टाइम भी जैसे यहाँ पे क्लासेस वगैरह लग रही हैं, क्योंकि लाइटें देख रहे हो आप सारे बिल्डिंगों की जल रही हैं और अंदर क्लास चल रही है इस टाइम। तो ये अपना भाई ग्रिफिथ कॉलेज है, 1, 2, 3 फ्लोर हैं बने हुए, अपने इंडियन पाकिस्तानी बहुत आते हैं इस कॉलेज में ना, तो होपफुली ये डोर खुल जाए। हाँ खुल गया भाई, यार यादें तेज ताज होगी भाई ना, कब से कितने टाइम के बाद आए यहाँ पे। लो जी ये ऐसे कॉलेज है भाई, देखो बाहर ये क्लासरूम है बने हुए, ऑफिस है बने हुए लेफ्ट हैंड साइड, पहले ये होती थी रिसेप्शन, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही आए पे कहीं भाई। लुकिंग फॉर रिसेप्शन? शांति है भाई यहाँ पे ग्रिफिथ कॉलेज, काफी बड़ा है। पहले वैसे यहाँ पे भाई गोरों के टाइम में यहाँ पे जेल होती थी, जहाँ पे भाई आयरिश लोगों को रखा जाता था जैसे जेल में ना,
यहाँ पे नेट गार्ड रखा है वॉली वास्ते और उधर भाई फुटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। तो एक छोटा सा ही ग्राउंड है, पहले यहाँ पे वैसे एक ही ग्राउंड होता था, क्रिकेट ही खेलते थे यहाँ पे और नेशनल फ्लैग लगा हुआ है आयरलैंड का। यहाँ पे पार्किंग फ्री है और पार्किंग भी लगा लो आप कभी तक लगा के रखो अपनी गाड़ियाँ, तो स्टूडेंट वास्ते पार्किंग फ्री है वैसे यहाँ पे। ये लेफ्ट हैंड साइड अगेन भाई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ये सारा, जहाँ पे खेलते थे हम पूल वगैरह वही वहाँ पे। और सामने अभी इनकी कंप्यूटर लैब वगैरह, और सामने वो जितनी आप बिल्डिंग देख रहे हो ना वो सारी है भाई ग्रिफिथ कॉलेज के अपना क्लासरूम, तो अंदर ही वही इनमें जिम भी है। जो मैंने मेन पता करना था रिसेप्शन पे, वो था कि जनवरी इनटेक जो आप ले रहे हो या नहीं, क्योंकि काफी कुछ जनवरी या एक दो मिनट बात करेंगे ओपन फॉर नेक्स्ट इनटेक जो कि सितंबर में ओपन। भाई ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सही है, बाहर ही आपको 122 बस दिखी थी और 59-16 बस भी यहीं पे उतारते हैं वही कॉलेज के पास में। वही अपना स्टूडेंट घूम रहे इस टाइम और अपने भाई बंदे फुटबॉल वगैरह लेके कोई भी स्पोर्ट्स आप यहाँ पे खेल सकते हो, जैसे वॉली लग रही है। वैसे तो भाई किसी के पास यहाँ पे टाइम नहीं होता है, ग्राउंड खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, सब अपनी भाई क्लासेस लगा के अपना घर चले जाते हैं। बताइए मैं यहाँ पे करता था अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो मोस्टली ये कॉलेज है बिजनेस या फिर अकाउंट्स के वास्ते बड़ा फेमस कॉलेज है, काफी अच्छे रैंक में आता है आयरलैंड में ग्रिफिथ कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है लगा लो। और सिटी सेंटर के बीच में ट्रांसपोर्ट वगैरह की आप जैसे इतनी मुश्किल नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी ही लेनी है, आके आप बसेज वगैरह भी ले सकते हो। भाई मैं रहता था भाई एयरपोर्ट के पास में, जो कि नियरली भाई मेरे को एक घंटा लगता था यहाँ तक आने में, लेकिन ट्रांसपोर्ट दो बसेज बदलनी पड़ती थी। जब शुरू में आते तो बंदा भाई स्ट्रगल भी करता है, जो भी करते थे शुरू में आके, तो भाई अगेन यार ना जैसे यहाँ पे आके ना एक किस्म से ना जी पुराने टाइम में पहुँच गया, 15-17 साल पहले जब यहाँ पे आए थे तो क्या माहौल होता था। और ये देखो भाई साइकिल पे कितने स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, ये देखो सारी साइकिलें देख रहे हो ना, ये भाई स्टूडेंट की ही साइकिलें खड़ी हुई। जैसे कि ना यहाँ पे भाई कोई ये नहीं सोचता कि भाई मैंने साइकिल नहीं ट्रैवल करना या फिर मैंने भाई गाड़ी में ही जाना है, मैंने बस में नहीं जाना है, तो ऐसे किसी की भाई यहाँ पे सोच नहीं होती है। लेकिन देखो साइकिलों के लिए भाई ट्रैक बना रखे, आप लॉक कर सके अपनी साइकिल रख सकते हो। और हाँ जब मैं गाड़ी लेके निकला था भाई ना, तो एक जॉब करी थी मैंने टाउन की लगी थी, तो टाउन से थोड़ा दूर था, तो वहीं से भाई जैसे निकला मैं, देखो टैक्सी का ये बेनिफिट आया यहाँ पे ना जॉब का, जैसे वहां से भी निकला मैं, तो उसके बाद भाई एक और जॉब लग गई मेरी, तो वहां से उसने आना था भाई ग्रिफिथ कॉलेज के बिल्कुल पास में, तो लगा लो मैं जॉब नहीं कर रहा था फिर भी जैसे एक से डेढ़ घंटा लगा मेरे को, तो मेरे अराउंड भाई बन गया 55 यूरो, तो इंडिया के लगा लो 4,000 से 5,000 रुपए एक घंटे में अभी बन गया अभी टैक्सी में। और जो कि मैं निकला भी था काम के लिए ना, अब जा रहे हैं सीधा घर पे। हाँ भाई टैक्सी का जो रूफ साइन था ना वो मैंने फिक्स नहीं कराया, उसमें लाइट जल रही है, देखो इसमें ये लाइट भाई जल रही है, लेकिन ना जैसे ना ब्लिंक कर रही है ना बार बार, तो इधर से ये बिल्कुल बंद ही हो गई है, उधर से भी नहीं जल रहा है अगले वाला पार्ट, लेकिन आज वही टाइम नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम जरूर उससे यही चेंज कराएंगे। तो देखो ना यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं ना वो आते हैं भाई मोस्टली यहाँ पे DBS में या फिर ग्रिफिथ में या फिर ट्रिनिटी में, ऐसे बहुत कम बंदों का वीजा लगता है, DCU में आते हैं, UCD में आते हैं। तो ग्रिफिथ कॉलेज भाई देखो सेंटर में पड़ जाता है बिल्कुल, और DCU भी सेंटर में पड़ जाता है डबलिन सिटी सेंटर के। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है बसेज के लिए, बस में आप ट्रैवल कर सकते हो नियरली भाई कहीं से भी, अगर आप आ रहे हो 30-40 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम आपका लग जाता है अगर आप ग्रिफिथ कॉलेज में आ रहे हो। रैंकिंग की अगर आप बात करो भाई ग्रिफिथ कॉलेज बड़ा सही है, मैंने भी यहाँ पे स्टडी करी है तभी आज टैक्सी चला रहे हैं, बट एनीवे अपनी दुकान भी चल रही है, वो भी अच्छे से चल रही है। यहाँ पे ना जिम भी है ग्रिफिथ कॉलेज की, अपनी जिम है वो, तो अगर आप ज्वाइन करते हो कॉलेज तो आपको फ्री एक्सेस मिलता है यहाँ पे जिम का, आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो भाई ये था अपना वन वे और यहाँ से हमने एग्जिट करना है, सामने जो आप देख रहे हो ना भाई वो अंडरग्राउंड भाई पार्किंग है, और रेजिडेंशियल एरिया भी जैसे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन भाई ना बहुत एक्सपेंसिव है इनकी अकोमोडेशन। सारी भाई लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो ना सारी ग्रिफिथ कॉलेज की अकोमोडेशन है, ये राइट हैंड साइड भाई अपना यहाँ पे देखो क्लासरूम होता था, ये लग रही है क्लास लग रही है इस टाइम। और यहाँ पे ना भाई ना चाइनीज और इंडियन और पाकिस्तानी बहुत स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही अपना एडमिशन कराते हैं, तो ये काफी फेमस कॉलेज है एनीवे, अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो रेकमेंडेड। और दूसरा भाई ना जो मेरे को अच्छी चीज लगती है, क्योंकि मैं आया था भाई 15-17 साल पहले यहाँ पे, तो भाई उस टाइम मेरे को याद है कि ना जैसे मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट जैसे स्मोक करता, चाइनीज लोग बड़ा स्मोक करते हैं, तो भाई वो जैसे अपनी जैसे क्लासरूम के बाहर खड़ा है
टीचर भी वही उसी टाइम स्मोक करने के लिए उसी के पास खड़े होकर स्मोक कर रहे दोनों। ये चीज मेरे को बिल्कुल अलग लगी थी, मैं जैसे शौक था ये चीज देख के, क्योंकि इंडिया से जब आप आते हो स्टूडेंट और टीचर, भाई टीचर तो यहाँ पे वहां पे इंडिया में स्मोक करते नहीं, आप सोचते भी नहीं हो, करते होना बट वो छुप छुप आगे गए बिना। यहाँ पे टीचर भी साथ में खड़ा है और स्टूडेंट भी साथ में खड़ा है, बातें कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं, ये लाइव थी यहाँ पे ना। तो भाई ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर। हाँ, अगर आप एडमिशन करा रहे हैं यहाँ पे तो भाई बेस्ट विशेज, और अगर आप आ रहे हो 2023 में तब भी भाई आपको बेस्ट विशेज। इस टाइम अकोमोडेशन के अगर ग्रिफिथ कॉलेज के या फिर किसी कॉलेज के सेंटर में आप रह रहे हो ना, जैसे डबलिन सिटी सेंटर के, बहुत कॉस्टली है अकोमोडेशन, सर्च करना लेना। कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई भाई, अगर आप सर्च करना चाहो कैसे आपने सर्च करनी है तो।